गुड मॉर्निंग गाइस, एक और वीडियो पर आपका फिर से स्वागत है। आज इस सुबह सुबह कैंपिंग के लिए निकला हूँ और सुबह सुबह के जो नज़ारे हैं ना भाई, कल रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद भाई सारी धुंध ख़त्म और एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़ारे आप देखने को मिल रहे हैं। और अब जाके सुकून मिल रहा है कि हाँ भाई, वापस से कैंपिंग करने का मन हो रहा है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैंपिंग बहुत लेट लेट आ रही है, तो वही था रीज़न कि पोल्यूशन था चारों तरफ, जिसकी वजह से मन नहीं कर रहा था कैंपिंग करने का। अब रेगुलर वीडियो जाएंगी। नज़ारे क्या खूबसूरत नज़ारे हैं सुबह सुबह के, वाह। बारिश के बाद समझ सकते हैं, ये वाली जैकेट पहन के आया हूँ मैं, तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन है सुबह का। तो ज़्यादा आप बताओ, आपके शहर का क्या है हाल, गर्मी हो रही है फिर कैसा है मौसम? यहाँ पर तो पिछले तीन चार दिनों से बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, लगातार बारिश हो रही है, हर दिन लगभग बारिश हो ही रही है, थोड़ी बहुत कभी कभी तो वहाँ कभी हैवी हो रही है। तो आज भी मौसम बारिश का है, तो अभी तो धूप है लेकिन एक दो घंटे बाद ही मौसम पूरा बदल जाएगा। तो चलते जल्दी से कैंपिंग स्पॉट की तरफ। वाह, जंगलों के नज़ारे भी बदल चुके हैं, आपको हरियाली आनी स्टार्ट हो चुकी है, मज़ा आएगा अब कैंपिंग करने में। सीज़न आ चुका है कैंपिंग का, बेस्ट सीज़न रहता है बारिश वाला, और आपको तो बारिश वाला कैंपिंग पसंद ही है मेरी तरह। तो चलिए चलते हैं अभी, बस अब गला ठीक हो जाए फिर मजा आएगा। ऐसे तूफान में अच्छे से पैक्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो क्या हाल हुए थे, रात को भी दोबारा बारिश में बाहर ना आना पड़े। इससे अच्छा है कि पहले अच्छे से पैक्स वगैरह अच्छे से लगाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी तूफान काफ़ी ख़तरनाक आते हैं।
तो आज भी बारिश बड़ी तगड़ी हो रही है, आज थोड़ी रिलैक्सिंग टाइप की कैंपिंग करेंगे। तो आज मैं बड़ा टेंट लेके आया हूँ। ज़्यादा आपको किस टाइप की कैंपिंग देखनी पसंद है, रिलैक्सिंग टाइप या फिर थोड़ा बहुत एडवेंचर टाइप? तो यार कभी कभी चेंजेस होने चाहिए। तो आज मैं बड़ा टेंट लेके आया हूँ और जैसे कि आपको पता है शाम का टाइम और बारिश भी हो तो ऐसे में हर टाइम चाय बनती है अपनी, तो आज भी चाय बनाएंगे यार बढ़िया। चाय के साथ तो पॉपकॉर्न बनाएंगे, शायद पॉपकॉर्न हो सकता है। पॉपकॉर्न बन चुका है, अभी बनाएंगे कॉफ़ी, आज पियेंगे कॉफ़ी। और बारिश बाहर पे बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है आज दिन में ही, काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है आज। पानी उबल चुका है, थोड़ी बटर वाली कॉफी बन गई जिसमें बटर बच गया था नीचे, वो भी है इसमें कॉफी में। तो मस्त से कॉफी और पॉपकॉर्न। बटर वाली कॉफी बनी है, बढ़िया फ्लेवर आ रहा है बटर का। तो जैसे जैसे शाम हो रही है और एकदम अंधेरा छा गया है, देखो बारिश बढ़ चुकी है और जिस हिसाब से अभी मौसम बना है मुझे लग रहा है आज फिर से वही होने वाला है। जैसे रात हुई बारिश, क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है और हल्की अभी लाइटनिंग होनी भी स्टार्ट हो चुकी है और बीच बीच में तो ओले गिरने भी शुरू हो चुके थे, पर अभी थोड़ी बारिश कम हुई है। भाई बहुत डर लगता है ऐसे सिचुएशन में, जब लाइटनिंग होती है खासकर तब तो भाई हालत ख़राब हो जाती है और उससे बचने का कोई उपाय है नहीं वैसे,
तो एक बार तो भाई क्या ही बारिश हो गई थी, पूरा पानी। और सही अच्छी बात यह है कि अब तक टेंट के अंदर पानी नहीं आया। देखते हैं फिलहाल, बाहर पे तगड़ी लाइटनिंग हो रही है अभी। यहाँ पे भाई साहब जो लाइटनिंग हो रही है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टेंट के आसपास ही बिजली गिर रही है। पिछले आधे घंटे से ये चल रहा है। अब जल्द से खाना बना लेता हूँ मैं। आज मैं बनाने वाला हूँ एग करी और साथ में पराठे। पराठे में घर से लेके आया हूँ, तो अंडे बॉयल तो कर ले, लेकिन थोड़ा कम बॉयल हुए हैं, लेकिन जल्दी में करना पड़ा मुझे भाई। सब कुछ यहाँ पे ख़राब चल रहा है। हवा चल रही है तो लाइट अभी इधर को गिर रही है। अभी जाके बारिश थोड़ी बंद हो चुकी है, अब जल्द से बनाते हैं खाना।
अंडा करी बनेगा कुछ डिफरेंट टाइप से, क्योंकि जो अंडे हैं ना अच्छे से बॉयल नहीं हो पाए, सारे टूट गए हैं, अच्छे से हो नहीं पाया, तो अब थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा मैं। अभी डालेंगे करी मसाला, तो लास्ट मैंने अंडे को कट कर लिया है छोटे पीसेस में, इसको डाल देते हैं क्योंकि अच्छे से बॉयल हो नहीं पाए थे। बस रेडी है अपना डिनर, अब हवाएं चल रही बड़ी ज़बरदस्त। तो रेडी हो चुके अपना डिनर, अंडा करी या फिर इसको कुछ भी बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं नहीं पता मुझे, साथ में पराठे। तो शुरू करते हैं खाना, और मौसम यार बड़ा डरावना हो रखा है आजकल। सिंपल है और टेस्टी है। अभी चलने लगी हवाएं, इससे पहले हो रही थी खतरनाक वाली बारिश साथ में लाइटनिंग, और भाई ऐसे बम पटाखे फूट रहे थे बाहर पे ना भाई, डर से हालत खराब थी। अब देखो हवाएं बड़ी ज़बरदस्त चलेंगी, अब हवाओं से इतना दिक्कत नहीं है जितना लाइटनिंग से होता है, और डर तो भाई बहुत ज़्यादा। आज मैंने खाना बना लिया है 9:30 के आसपास, 9:30 हो रहा है अभी टाइम, और खाना बन के रेडी है, और मैं खाना शुरू भी कर चुका हूँ काफ़ी जल्दी। तो टाइम हो चुका है अभी सोने का, और अभी ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, जो ये जैकेट है ना इसमें भी ठंड लग रही है, बताओ तो लगभग 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा ऐसा लग रहा है मुझे। स्लीपिंग बैग भी ये लेके आओ विंटर वाला -3 वाला, ज़्यादा अभी सोते हैं मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी तो लगभग बाहर पे मौसम तो डेंजर है, लाइटनिंग हो रही है वैसे, लेकिन बारिश और हवा भी बन हो चुकी है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में, अब मस्त सो जाते हैं, तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं,
और कल रात को क्या मस्त नींद आई। हालांकि बाद में सोने की थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग और बारिश हुई थी, पर उसके बाद मस्त नींद आई। और अभी पता नहीं बाहर का मौसम कैसा है, लग रहा है ठीक आज मौसम तो ज़्यादा। देखो यार सामान वामान ज़रा अंदर पड़ा है, बारिश थोड़ा बहुत सामान बाहर पे था, तो ऐसा रहता है अपना सेटअप सोने के बाद सारा सामान फैला पड़ा है, अभी इसको समेटना है और उसके बाद पैकिंग करूँगा। तो सुबह सुबह यहाँ पे धूप आ चुकी है, देखो ले आजा ले, इसको देते हैं रोटी ले। गांव के आसपास कैंपिंग करोगे ना तो कहीं से जो आसपास में घर होंगे वहाँ से कोई ना कोई डॉग आ ही जाता है। और अभी क्या मस्त माहौल बना है, आप विजिबिलिटी देखो एकदम क्लियर है, आप सारे पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, जो एक हफ्ते पहले बिल्कुल सामने वाला पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अब यहाँ तक कि जो हिमालयन रेंज है ना वो भी दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। वाह। और लगभग एक दो हफ्ते बाद शायद हम कहीं उस वाले या इस वाले हिमालय के पास होंगे स्नो कैंपिंग के लिए, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तैयारियाँ चल रही हैं, ज़्यादा उम्मीद है आपको भी इंतज़ार रहेगा इस कैंपिंग सीरीज का, जो कि मई और जून में स्नो कैंपिंग शायद ही बहुत कम होती है, तो इस बार ही प्लानिंग है बहुत कुछ अलग करने का। लगभग एक महीने का हम ट्रैक करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो थोड़ा धूप आने का इंतज़ार है, टेंट सूखते ही पैकिंग करेंगे। चलिए तो वीडियो को एंड कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और कैंपिंग वीडियो के साथ।